श्रद्धा हत्याकांड मामले में पिछले 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन मेहरोली के जंगल में किया जा रहा है। पुलिस तमाम उन शवों के टुकड़े को बरामद करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उसके बावजूद अभी तक अन्य जो शरीर के अवशेष थे या कहें कि टुकड़े थे वो बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस की टीम आज तड़के सुबह फिर एक बार पहुंची हुई है मेहरोली के जंगल में। पुलिस अधिकारी आपको सामने नज़र आ जाएंगे और अन्य जो टीमें हैं वो अंदर की तरफ मौजूद हैं और लगातार सर्च कर रही हैं कि जिस तरह से आफ्ताब ने पुलिस को अपने बयान में बताया हुआ है कि उसने श्रद्धा के शरीर के तकरीबन 32 से 35 टुकड़े किए हुए थे, जिसमें से अब तक 10 से 12 टुकड़े ही बरामद हुए हैं। कुछ शरीर के पीछे का हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी होती है कुछ हिस्से बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे हिस्से ऐसे हैं जिसे बरामद करना बाकी है। यही वजह है कि पुलिस हर तरह से इस पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रही है कि जिससे कि आरोपी को जब यहाँ पर लाया गया था उसकी निशानदेही पर भी कोशिश की गई थी। 2.5 से 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला था। कल भी पुलिस आपको बता दें 6 घंटे से ज़्यादा लगातार यहाँ पर सर्च लगाती रही करती रही उस, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आरोपी ने कहाँ पर डेड बॉडी को फेंका हुआ था। जो शरीर के पार्ट्स काटे गए थे उसी की तलाश में लगातार पुलिस की जो टीम है वो लगातार सर्च यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी आफ्ताब को आज कोर्ट में भी पेश किया जाना है, जहां पर पुलिस एक बार फिर से तकरीबन 1 हफ्ते की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस को एक सफलता मिली है, साकेत कोर्ट में एप्लीकेशन पुलिस ने दाखिल की थी जिससे कि आरोपी की का नार्को टेस्ट कराया जा सके। कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया है कि पुलिस नार्को टेस्ट करा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि अब पुलिस आफ्ताब जो आरोपी है, किसी भी आरोपी का जब नार्को टेस्ट कराया जाना होता है तो पहले आरोपी का भी सहमति लेनी ज़रूरी होती है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि आरोपी से जल्द से जल्द सहमति ले और नार्को टेस्ट कराए, जिससे कि अभी तक जो आरोपी झूठ बोल रहा है उससे पर्दा उठ सके और तमाम जो परतें अभी भी नहीं खुली हैं इस पूरे हत्याकांड की, जिसमें आपको बता दें कि जो धारदार हथियार था जिससे डेड बॉडी को काटा गया था उसे बरामद किया जा सके, और इसके साथ साथ जो श्रद्धा का जो सर का हिस्सा काटा गया था उसे बरामद किया जा सके, और इसके साथ साथ श्रद्धा का मोबाइल कभी वो बताता है मुंबई महाराष्ट्र में फेंका गया तो कभी वो बताता है कि उसने इस जगह पर लाश को के टुकड़े को ठिकाने लगाया था। तो हर तरह से पुलिस अपनी तरह कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से इस मेहरोली के जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मी लगातार जुटे हुए हैं कि जिससे कि उन तमाम शव के हिस्सों को बरामद किया जा सके, लेकिन 18 मई की घटना के बाद अब तक 6 महीने का वक्त हो चुका है और अभी भी आपको बता दें कि मई का महीना था, उसके बाद बरसात आई, शव के टुकड़े कहाँ हैं वो खोज पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस की कोशिश लगातार जारी है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। यही वजह है कि वो धारदार हथियार हो, पीड़िता का मोबाइल हो या फिर जो उसका सर पीड़िता का था काटा गया था उसे बरामद किया जा सके। लगातार सर्च ऑपरेशन मेहरोली के जंगल से अभी भी लगातार जारी है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।